आईजीएमसी में रैनबसेरे को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रैनबसेरे के संचालन को बीते दिन नोफेल सोसाइटी को दे दिया है, लेकिन ऑलमाइटी संस्था जो पिछले कई सालों से आईजीएमसी में लंगर चला रही है ने इस पर सवाल उठाए हैं और आईजीएमसी प्रशासन पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। मामले में आईजीएमसी प्रशासन को सामने आना पड़ा है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनकराज ने बताया कि समाज सेवा के नाम पर व्यवस्था का मजाक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रॉपर्टी की बंदर बांट नहीं की जा सकती। आईजीएमसी में हर रोज कोई न कोई संस्था जरूरतमंदों की सहायता करने आगे आती है, लेकिन रोगी कल्याण समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई कि कौन संस्था यह कार्य कर सकती है। 19 दिसंबर को इसको लेकर टेंडर निकाला गया। 21 दिनों तक इसका समय रखा गया था। रजिस्टर्ड एनजीओ ही इसमें अप्लाई कर सकती थी। एनजीओ का जीएसटी नंबर और एनुअल टर्नओवर 5 लाख से अधिक होना चाहिए था। जिसने ये सभी शर्तें पूरी की हैं उसे यह दे दिया गया। बिल्डिंग सरकारी खर्चे पर 50 लाख खर्च हुआ है। यह टेंडर पूरे पारदर्शी तरीके से किया गया। आईजीएमसी है चाहे कोई अन्य और संस्थान है, सरकार का पैसा और सरकार की प्रॉपर्टी की बंदरबांट नहीं की जा सकती, ये सबको जानकारी है। हम समझते हैं कि प्रदेश अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे पंचायती चुनाव भी हुए हैं, जितना मर्जी आप जो मर्जी कह लीजिए, जिस पर जो मर्जी एलिगेशन लगा लीजिए, पर सरकारी ज़मीन की और सरकारी पैसे की बंदरवांट करना नामुमकिन है, संभव नहीं है। तो हमारे अस्पताल में कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी एनुअल बैठक होती है, सबको जानकारी होगी। एनुअल बैठक जो हमारे यहाँ पर हुई 12 अक्टूबर 2020 को, आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित थे, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश सरकार, माननीय स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार और सरकार और के द्वारा नामित सरकारी और गैर सरकारी सब सदस्य उस कमेटी की मीटिंग में उपलब्ध थे। तो उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि अस्पताल की व्यवस्था को विभिन्न विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है वो अस्पताल के अंदर जगह की या सेवा करने की इजाज़त जो है वो मांगने की व्यवस्था शुरू हो रही है। तो इस मीटिंग में इस बात को रखा गया डिस्कशन के लिए वेरियस रिप्रेजेंट्स दिसंबर को, 19 दिसंबर को जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला उसको हमने हिमाचल प्रदेश जो लोहिम सूचना संपर्क विभाग की वेबसाइट है उस पर भी उसको डाला गया, उसको आईजीएमसी की वेबसाइट पर भी डाला गया, और जो हिमाचल प्रदेश की टेंडर की जो वेबसाइट है sptenders.com उस पर भी उसको डाला गया। विभिन्न विभिन्न हिंदी और सरकारी हिंदी सरकारी और अंग्रेजी अखबारों में भी इसका जो है वो विज्ञापन आया। 2 जनवरी तक इसमें अप्लाई करने का समय था, 21 दिन का ये पूरा समय रखा गया था। निहित में जो भी सरकार की व्यवस्था का बचाव करना और उसका पालन करना जो जो भी हमारे अधिकारों में निहित है, हम सब कदम उठाएंगे। अवैध रूप से बनाया गया, आप कह रहे हैं कि अवैध रूप से बनाया गया, नोटिस जारी किया जाएगा इसको लेकर उनको? बिल्कुल जारी किया जाएगा। सर, जब ये हमने स्टार्ट किया था, जो मौजूदा सरकार थी वहाँ पे उनके जो नेता थे उन्होंने वहाँ उद्घाटन उसका यहाँ पर किया था, उसके बाद ही इनको जगह दी गई थी, क्या वो सारी चीजें देखी जाएगी? पीआरटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।